अगला ये क्वेश्चन जेई मेन 2024 में फेज वन में 29 जनवरी को पूछा है। कह रहा है इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम इज यूज्ड। वेवलेंथ दिया हुआ कितना, 6000 एंगस्ट्रम। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फाउंड टू बी 3 mm। किसके किसके बीच का डिफरेंस, फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा। ओके, तो फर्स्ट मिनिमा और थर्ड मिनिमा के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 3 mm। व्हेन द स्क्रीन इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अवे, कैपिटल डी की वैल्यू कितना लेना, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स, द विड्थ ऑफ द स्लिट इज, जो स्मॉल डी होता है ना विड्थ ऑफ स्लिट, वो आपको बताना है 10^-4 के ऑर्डर में। तो आप याद करेंगे तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिनिमा का पोजीशन वही होता है जो इंटरफेरेंस में मैक्सिमा का पोजीशन हुआ करता था। तो यहाँ पे yn इज इक्वल टू n लिमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये पोजीशन होता है करस्पॉन्डिंग मिनिमा का। तो हमें डिफरेंस दिया गया है y3-y1 का, ये कितना हो जाएगा 3-1 यानी कि 2 लिमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये वैल्यू गिवन है 3 mm, तो आप लिखिए 3×10^-3। फाइन, इधर वैल्यू पुट करिए, 2 × लेमडा की वैल्यू कितना है 6000×10^-10 एंगस्ट्रम के लिए। कैपिटल डी कितना है, कैपिटल डी है सर 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, यही तो पता करना है, इज इक्वल टू 3×10^-3। अब सबको ठीक ठीक से रीअरेंज कर लेना है, कर लेते हैं। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2×6×10^-, ये 3 माइनस कर दीजिए 10 में से, तो हो गया 7×0.5 डिवाइडेड बाई 3×10^-3, है ना, ये 3×6 2×4 20, ये 2×10^-4 मीटर आएगा। चेक कर ले आंसर, बिल्कुल सही आंसर है।